बनना। तो अगर आपको नेचर लवर, हिस्ट्री लवर, तो ये प्लेस जो है आपको मस्ट विजिट करना होगा। और आप जो है 18 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में कभी भी आके ये फ्लावर शो को एंजॉय कर सकते हो। आपको एडल्ट 80 रुपीज़ है और किड्स 30 रुपीज़ है। तो एक्सप्लोर करवाते हैं लाल बाग बॉटनिकल गार्डन। उससे पहले आप जैसे ही ये लाइव बैंड के पास आओगे, तो यहाँ पे आपको जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा आपको पता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ रिफ्लेक्ट किया गया है। किसान जो है अपनी एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेन लाल बैग का फ्लावर शो का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ग्लास हाउस आते हैं, यहाँ पे आपको मेन सेंटर पे एक फाउंटेन एरिया देखने को मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं फ्लैग के कलर का है, तो इसको इंडियन फ्लैग के कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। हम जैसे ही इस ग्लास हाउस के अंदर एंटर करते हैं, तो आपको 12th सेंचुरी के फिलोसफर एंड पोएट विश्वगुरु बसवन्ना एंड वाजना साहित्य बेस्ड थीम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बसवन्ना के विजडम एंड टीचिंग थॉट जो है वो देखने को मिलेंगे थ्रू फ्लावर शो। अगर आप हो बैंगलोर में और आप सोच रहे हो अपनी रिपब्लिक डे को फ्रेग्रेंट एंड कलरफुल तरीके से सेलिब्रेट करने का, तो ये बैंगलोर का लाल बाग फ्लावर शो आपको मिस नहीं करना चाहिए, जो 18 जनवरी से 28 जनवरी तक रहेगा। इस ग्लास हाउस में टोटल 13.5 लाख कट फ्लावर एंड 9 लाख पोटेड फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ किया गया है। तो अगर आप हो नेचर लवर और हिस्ट्री बफ और समवन जस्ट अप्रिशिएट ब्यूटी, तो आपको ये फ्लावर शो मिस नहीं करना चाहिए। बसवन्ना इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन कन्नडा लिटरेचर। इस 10 दिन के फ्लावर शो में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10 लाख विजिटर जो है ये फ्लावर शो विजिट करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप आफ्टरनून के टाइम पे आएंगे, तो आपको सीरियसली वॉक करने का भी स्पेस नहीं मिलेगा। ये 215th रिपब्लिक डे फ्रूट एंड फ्लावर शो जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में। बसवन्ना ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे आपको उनके डिफरेंट स्टैचू के थ्रू वो सारी जर्नी जो है उनका रिफ्लेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो है सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह हर स्टैचू के डिफरेंट मीनिंग है। तो अगर आप हो बैंगलोर में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ये फ्लावर शो एक बार देखने के लिए आओ, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बैंगलोर में हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप हैं नेचर की गोद में। तो अभी तक जो लोग नहीं आए हैं वो आओ, और जो आ गए हो वो मुझे कमेंट करके बताओ। इस ग्लास हाउस में आपको दोनों वॉल पे बसवन्ना के जीवनी के बारे में दिया गया है, तो हर पोस्टर पे उन्होंने अभी तक क्या क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हो हिस्ट्री बफ, तो आप यहाँ आ सकते हो और डिटेल में उनके बारे में जान सकते हो। करके आते हैं कि सबसे पहले आपको ये वॉच फ्लावर देखने को मिलेगा। बैठ के नेचर की ब्यूटी को निहार रही हूँ, और सच में नेचर का एक अलग बात है।
पूरा फ्लावर फ्लावर है, इसलिए मैं भी जो हूँ थोड़ी सी फ्लावरी बन के आई हूँ। यहाँ पे ईयरली दो टाइम जो है फ्लावर शो होता है, फर्स्ट होता है 15 अगस्त को एंड सेकेंड होता है 26 जैन को। तो अगर आपने मेरा 15 अगस्त वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके देखो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा थीम में। अभी जो है ठंडे का सीज़न होने के कारण फ्लावर जो है उतने अच्छे से नहीं खिल के आए हैं जितने मैंने जो अगस्त के टाइम पे लगा था। तो लिंक मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। किस तरह से स्कूल के बच्चे जो है ये फ्लावर शो को देखने के लिए आए हैं। हम अभी आ गए हैं ग्लास हाउस का पूरा डेकोरेशन देख के, और आप जब इस साइड आते हैं तो ये एरिया आप आओ 15 अगस्त को या फिर 26 जैन को, ये एरिया इन लोग जो है फिक्स इन लोगों का डेकोरेशन होता है, जो भी डेकोरेशन अंदर में चेंजेस होता है। तो मैंने आपको अंदर का दिखा दिया, इस साइड आपको पीकॉक ही दिखेगा और उस साइड जो है हार्ट शेप का ही दिखेगा। अभी मैं आपको इस साइड भी दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा फ्लावर शो लाल बाग का। बैंगलोर में बिगेस्ट फ्लावर शो जो है लाल बाग में लगाया जाता है, और ईयरली जो है दो बार होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो आपको दोनों का ब्लॉग मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप भी आ रहे हो फ्लावर शो देखने के लिए तो आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हो जाएगी टाइमिंग, तो आप जो है 9 AM to 6 PM के बीच में कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ एंट्री फी की मैं बात करूँ तो 80 रुपीज़ है एडल्ट और 30 रुपीज़ है चिल्ड्रेंस। और आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे UPI नहीं चलता, या तो कार्ड या तो कैश, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये था आज का पूरा ब्लॉग। होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।